सात संगत 1506 ईस्वी कथो नंगल की धरती भाई अजिते रंधावे के घर माता गौरां जी की कुख तो एक बच्चे ने जन्म लिया। उहदा नाम घरदिआं ने रखिया बूढ़ा, बुढ़ा नहीं बूढ़ा। इतिहास कहिंदा है सन 1518 ईस्वी जदों 12 साल की उम्र हुई अचानक गुरु नानक साहिब महाराज नाल मेल होया। रवाब नाल भाई मरदाना रवाब बजाउंदे ने, गुरु नानक साहिब मस्ती विच गा रहे ने। यह 12 साल का बच्चा मझियां गावां चारदिआं चारदिआं दर्शन किते, गुरु की बाणी गुरु का ज्ञान गुरु का कीर्तन चंगा लगा, कोल आके बह गया। सात संगत मन चाहिया इन्हां साधुओं की सेवा करां, दूरों आया होना है। भज के मझां गावां छड के घर गए, माता गौरां जी नूं कहा कोई साधु आए ने अपने खेतां विच, मैं उन्हां दी सेवा करनी है, दुध का कटोरा दे दिओ। काढ़नी विच दुध कढ़ना रखिया होया, कढ़ कढ़ के वह दुध इन्ना स्वाद होया, वह कटोरा भर के लाया। कहिंदे लिया के श्री गुरु नानक साहब महाराज नूं भेंट किया। संत जान के कहा महाराज तुहानूं दुध छकाउणा है। पातशाह ने कुछ आप छकिया, भाई मरदाने नूं छकाया। फिर हजूर ने उस प्यारे 12 साल के बच्चे बूढ़े नूं धन गुरु नानक साहब महाराज पुछदे, कहने बेटा तू इन्नी सेवा कर रहे है, तेनू सेवा करन दी सोझी है, दस की चाहुंदा है। जिदन कोई भावना नाल सेवा करे गुरु खुद पुछदा है दस की चाहुंदा है। पर भाव होवे, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, फिर गुरु पुछदा है भाई तेनू की चाहिए। महाराज ने 12 साल के बूढ़े नूं पुछया बेटा तेनू की चाहिए, ते हाथ जोड़ के कहा कहने जी मैनू मौत तो बहुत डर लगता। गुरु नानक साहब महाराज बोले कहने तू तो बच्चा है छोटा जिहा, बच्चियां नूं मौत बारे की पता हुंदा है, तेनू की पता मौत बारे, अजे तो तू छोटा जिहा बच्चा है, मौत तेनू मौत बारे की पता है। ते अगों जवाब दिता कहने जी मौत का किहड़ा कोई टाइम हुंदा है, मौत की किहड़ी कोई उम्र हुंदी है, वड्डियां लकड़ां मेरी मां चुल्हे विच बालदी है, पहला छोटिया नाल रख दिंदी है, उत्थे छोटिया वड्डिया का कोई मतलब नहीं। फसलां जरवाणे वड के लै गए, पक्कियां नाल कच्ची भी वड के लै गए, इत्थे कच्ची पक्की छोटे वड्डे का कोई मतलब नहीं। इन्नियां गल्लां पातशाह ने सुनिया, हजूर मुस्कुरा के बोले कहने तू बूढ़ा नहीं, पर तू तो बुढ़ा है, बुढ़िया वालियां गल्लां कर। बुढ़े का संबंध साध संगत उम्र नाल नहीं है, कई शरीर करके 60-70 साल दे हो जाते तम ही सोझी नहीं है। पातशाह ने कहा तू बुढ़िया वालियां गल्लां करने, सियाणियां गल्लां करने। और जदों पातशाह की उस सेवा दुध पिला के सेवा की भावना वेखी गुरु नानक साहब महाराज ने, पातशाह कहने दस की चाहुंदे, कहने मौत तो डर लगता है। गुरु नानक साहब महाराज बोले कहिंदे लै वी तू बुढ़िया वालियां गल्लां करने, जा तेनू उहदे नाल जोड़ देना जिहदे नाल जुड़न तो बाद मौत का डर नहीं लगता। कहिंदे महाराज कृपा कर दिओ। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने फिर निरभौ नाल जोड़िया, जिहनू जोड़न नाल कदे भय नहीं आउंदा। निरभौ जपे सकल भौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। हजूर ने प्यार नाल कहा बोल साडे मगर बेटा, एक ओंकार सतनाम, एक बार जपो, एक ओंकार सतनाम, एक ओं। जदों पातशाह ने एको ओंकार सतनाम जपाया, साध संगत फिर पातशाह ने प्यार दे के 12 साल के बच्चे नूं, बाबे बूढ़े नूं जिहनूं धन बाबा बुढ़ा साहब दा महाराज ने नाम खिताब दिता, पातशाह ने प्यार करके गल नाल लाया। 12 साल के बाबे बुढ़े नूं गल नाल लाउंदिआं सार बस छाती नाल लाउण दी देर सी, गुरु नानक साहब महाराज दीआं सारीआं बख्शिशां बाबे बुढ़े दे हिरदे च उतर गईआं। बस ओ दिन शुरू होया, धन गुरु नानक साहब महाराज के चरणों नाल ऐसा जुड़िया। 113 साल बाबा बुढ़ा साहब ने सिखी कमाई, 125 साल की उम्र हुई। कहण तो भाव यह है जिदन कोई भावना नाल गुरु की सेवा कर ले, गुरु का ज्ञान एक खिन विच देर नहीं लगती, फिर इको ही मिलनी, इको ही भेंट, इको दिन विच। गुरु नानक साहब महाराज ने बूढ़े तो बाबा बुढ़ा बना दिता,
आपां गुरु दे चरणां विचों मंगणे पातशाह सानू सोझी दिओ।